नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मल्टी सेकंडमेंट स्कूल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, घंटी भी बजा दीजिए ताकि नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। मैं अपने 7A+B के बच्चों को शुभकामना देता हूं। इस महामारी को देखते हुए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। आज मैं पाठ से हटकर मेरे दिमाग में आया कि आज बच्चों को ग्रामर व्याकरण ही पढ़ाएं। मैंने कुछ तथ्यों को आपके सामने रखा है, जैसे वर्ण, शब्द, वाक्य, व्याकरण, साहित्य, भाषा, बोली और वर्णमाला अहम तत्व हैं। इनके बारे में आपकी जानकारी अति आवश्यक। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण क्या है? वर्ण को टूटे फूटे भाषा में अक्षर कहते हैं, इंग्लिश में इसी को लेटर भी कहते हैं। ध्वनि के, आवाज के, नाद के, नाद मने भी आवाज होता है, ध्वनि के सूक्ष्मतम कण को वर्ण कहते हैं, ध्वनि की सूक्ष्मतम इकाई को वर्ण कहते हैं। सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म मने छोटा, सूक्ष्मतर मने उससे छोटा और सूक्ष्मतम मने सबसे छोटा, इतना छोटा कि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, सबसे सूक्ष्म सूक्ष्मतर इकाई को वर्ण कहते हैं। शब्द, शब्द वर्णों से बनते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, निरर्थक मेल नहीं, सार्थक मेल, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क धन म धन ल, कमल, ये आपका वर्ण हो गया। लेकिन अगर इसका निरर्थक मेल हो जाएगा क धन ल, क धन म धन ट कमट, या ल धन म धन क लमक, ये निरर्थक मेल कभी शब्द नहीं हो सकते। तीसरी चीज आइए, वाक्य।